नमस्कार, मैं आयुष तिवारी हिंदी बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करता हूं। कामठी के दाल ओले एरिया के घर से दो महिला का शव सड़ी अवस्था में पाए जाने से आसपास के लोगों में दहशत मच गई है। कहा जाता है कि दोनों मृतक भूख से हुई है। मृतक का नाम 60 वर्षीय पद्मा लावते और 50 वर्षीय कल्पना लावते बताया जा रहा है। लोगों ने बताया कि वह पिछले 25 दिनों से उनका घर का दरवाजा बंद था। बुधवार को घर से बदबू आने पर लोगों ने आसपास जाकर देखा तो घर पे मृतक की लाश थी। लोगों ने यह भी बताया कि कल्पना मानसिक रोग भी थी। कामठी पुलिस ने इसकी तापादेश शुरू कर दी है। नागपुर के नवनिर्वाचित महापौर दयाशंकर तिवारी के सामने एक साल के काम करने का बड़ा टारगेट, महानगर पालिका के स्कूलों का स्तर ऊंचा करना, शहर की आरोग्य सुविधाओं को बढ़ाना, पानी का समान वितरण, अतिक्रमणों पर लगाम लगाना, शहर की स्वच्छता पर ध्यान देना, कर प्रणाली में सुधार लाना, रस्ते स्मार्ट सिटी योजना को बढ़ावा देना, महानगर पालिका की आय बढ़ाना, शहर की अस्ताव्यस्त रहदारी पर ध्यान देना, पर्यावरण, शहर में वृक्षारोपण, शहर के तालाबों को साफ करना, यह निश्चित किया है। बजाज फाइनेंस की ओर से आए दिन ऑटो चालकों को जानबूझकर परेशान करने का आरोप टाइगर ऑटो संगठन और ऑटो चालकों द्वारा लगाया गया है। ऑटो चालकों का कहना है कि बजाज फाइनेंस द्वारा वसूली के लिए रखे गए कर्मचारी दारू पीकर आते हैं और किसी भी चौक में ऑटो को रोक ऑटो चालकों से गाली गलौज कर पैसे मांगते हैं और गाड़ी जब्त कर लेते हैं। उनके पास न तो जब्ती का कोई कागज़ होता है ना कोई अधिकार, मगर फिर भी वह गुंडागर्दी कर ऑटो छीन लेते हैं। ऐसे में आज ऑटो चालक और टाइगर रिक्शा संगठन द्वारा सदर पुलिस स्टेशन में बजाज फाइनेंस कंपनी और उनके वसूली कर्मचारियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। हम सब टाइगर ऑटो रिक्शा संगठन के तरफ से आए हैं और बजाज फाइनेंस की तरफ से जो भी गाड़ियाँ आज तक स्विच हुई है और जो स्विच कर रहे हैं एक नाजायज तरीके से स्विच कर रहे हैं। इनके पास किसी भी तरीके का स्विचिंग लेटर नहीं रहता है, कुछ नहीं रहता है और सिर्फ कार्रवाई एक यानी ये जो स्विचर लोग रहते ये ऑटो चालकों को सिर्फ तोड़ी करने का एक पैसे छीनने का काम कर रहे हैं कि सिर्फ तुम्हारी गाड़ी तुमने पैसे भरे नहीं है नहीं भरे है ऐसा बताते हैं, तुम्हारा स्विचिंग लेटर निकला है तुम्हारी गाड़ी जब्ती करनी है ऐसा कहते हैं और उनसे एक्स्ट्रा पैसे ले लेते हैं। तुम्हारा 3,000 रुपये स्विचिंग चार्ज है, 4,000 रुपये स्विचिंग चार्ज है ऐसा ले लेते हैं। आज कंडीशन ऑटो चालकों की कंडीशन ऐसी है कि वो किस्त नहीं भर पा रहा, लेकिन ये जो स्विचिंग चार्ज जो लेके जा रहे हैं ये उनके पैसे के गिनती में नहीं आ रहा। आज हमारे कुछ ऑटो चालकों के ऐसे कारनामे के एक भाई की स्विचिंग चार्ज हाथ में ले लिए, वो किस्त भरने के लिए यहीं पे आ रहा था, ऑफिस में आ रहा था। इसके पहले भी पिछले महीने में भी उसने किस्त भरा था, उसके पहले महीने में भी किस्त भरा था। जब उनकी किस्त भरी है तो स्विचिंग करने का मतलब ही नहीं आता। हमारा यही कहना है कि बजाज फाइनेंस जो कंपनी है वो क्या कर रही है, गुंडागर्दी कर रही है। वो गुंडे पाल के रखी है उसने और हर ऑटो वाले को रुका के दबाव डलवाती है किसी भी तरीके से तुम पैसा भरो करके। अब जब ऑटो वाले पास पैसा ही नहीं है तो वो कहाँ से भरेगा, वो कहाँ से लाएगा। वो क्या, इसके पहले भी बहुत सा फोर्स डाला गया लॉकडाउन के अंदर जिसका नतीजा ये हुआ कि 10 ऑटो वालों ने सुसाइड कर लिए। 3 ऑटो वालों की लाश जुम्मा तालाब से निकली थी। हाँ, तो ये बजाज फाइनेंस क्या कर रही है, ऑटो वालों की जान ले रही है सीधा सीधा। वो हमारे को कोई मोहलत नहीं देना चाहती, वो हमारे को कोई तरीके से सपोर्ट नहीं करना चाहती। इतना बड़ा लॉकडाउन जो लगा था हर कोई किसी की सपोर्ट कर रहा है, मदद कर रहा है, लेकिन ये बजाज फाइनेंस कंपनी हमारी कोई भी मदद नहीं कर रही है किसी भी तरीके से। नागपुर सदर छावनी एरिया में टू व्हीलर को पॉलिश करने वाली केमिकल दुकान को आग लग गई है। 2 मंजिल दुकान को आग लगने पर दुकान में रखे केमिकल ने आग जल्दी ही बड़ा रूप धारण किया था। देखते रहिए हिंदी बुलेटिन सिर्फ और सिर्फ V24 तास पर। धन्यवाद।